जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ का मॉडल पेपर। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लिए, अच्छे से बैठ के तैयार कर लिए, तो आपको क्वेश्चन पेपर में 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप 70 में से 70 लेके आओगे अगर अच्छी तरह से इसको पूरा तैयार कर लिए। इसी के साथ माँ का आशीर्वाद लेके पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाओ और इसको सब क्वेश्चन को नोट करते हुए चला, और लास्ट में एक या दो बार इसको क्या करना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि यह हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आओ चलो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, क्या दिया है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ए बी बराबर 6 कड़ी में 3, ए बी दिया बेटा, सॉरी ए बी, हाँ ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कोण B का मान, तो कोण B का वैल्यू कितना होगा, तो करोगे बाबू हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। यह है 12 सेंटीमीटर, देखो AC कितना है 12, और AB कितना है बाबू 6 कड़ी में 3, और BC कितना है 6। करोगे, हम जानते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर आ जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो क्या करोगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यह हो जाएगा बेटा 12, यह AB हो जाएगा 6 कड़ी में 3 का वर्ग, यह हो जाएगा बेटा 6 का वर्ग, यह हो जाएगा 144, यह हो जाएगा 36 गुणे 3, और प्लस ये कितना होगा बेटा 36 हो जाएगा। इतना करोगे 144 बराबर 36, यहाँ 108 प्लस 36, तो 144 बराबर 144 आ गया बेटा। तो यह जो कोण B होगा यह एक समकोण त्रिभुज होगा, कोण B का मान कितना होगा 90 अंश होगा। आए समझ में, पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिंदास आप लोग कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन दिया, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया बेटा, एक बिंदु मान लिया यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पे बी है, यही बोला है, और इसका है -8, 0, इसका दिया है 0, -8। मान लिया इसका मध्य बिंदु P है और इसके निर्देशांक है x, y, यही हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये हमसे पूछा है। ये हो जाएगा बेटा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2, यह y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मेरे लाल, मेरे हीरो, क्या होगा, x=x1+x2/2 और y=y1+y2/2। इतना करने के बाद आप लोगों को x1 का वैल्यू है -8 प्लस x2 का वैल्यू 0/2, y का करोगे बेटा तो y1 का वैल्यू है 0, y2 का -8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/2, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 जोड़ोगे वही आएगा, और 8 में 2 से भाग दोगे -4, y बराबर भी आएगा बेटा -4, इसका निर्देशांक होगा -4, -4, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर -4, -4। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया बेटा, एक बिंदु दिया है Q, यहाँ पे मान लिया Q, और एक रेखाखंड ऐसे यहाँ पे कौन सा है R, दोनों का निर्देशांक दिया है 6, 5, इसका दिया है बेटा 6, 5, और इसका निर्देशांक कितना दिया है 2, 3, इसका एक मध्य बिंदु है कौन सा P है, मान लेते हैं बेटा कौन सा मध्य बिंदु है P, और इसके निर्देशांक दिया है 1/3, 4, यह दिया है बेटा 1/3, 4, तो A का निर्देशांक पूछा। A बाबू मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है, देखो ये x है, ये y है, ठीक है, और यह होगा x1, ये y1, यह होगा बेटा x2, यह y2, करोगे x बराबर होता है x1+x2/2, यही होता है, x का वैल्यू है बेटा a/3, x1 का वैल्यू हो जाएगा 6 और x2 का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई
टू कर लोगे इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। a by 3 is equal to 6 और 2 8 by 2 इसको काटोगे आएगा 4 बेटा 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे a is equal to आएगा 12 यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है चलो देखते हैं। मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त बिंदु 13/2, 0 से होकर जाता है तब वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु स्थित नहीं है। तो बेटा यह हमारा हो गया वाई एच, यह हमारा हो गया एक्स एच। मूल बिंदु को केंद्र मान लिया गया और इसके अभ्यंतर बेटा एक वृत्त खींचा गया जो जा रहा है बेटा कितना 13/2, 0 से। तो मतलब बाबू 13/2 6.5, 0 हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग तो इसके अभ्यंतर कौन सा नहीं आ रहा। ऑप्शन देखना बेटा दिया है -3/4, 1 तो -3/4 तो इसके अंदर ही आएगा चाहे इधर आए चाहे इधर आए एक्स एच पे इधर आएगा। ठीक है क्योंकि बाबू इसके देखो 6.5 है इधर भी 6.5 आना चाहिए इधर भी 6.5 है त्रिज्या हो जाएगी ना 6.5 इधर भी 6.5 3/2 इसके अंदर ही आएगा। उसके दूसरा दिया 2/7/3 यह भी आएगा 7/3 भी इसके अंदर है 5/-1/2 यह भी आएगा बेटा इसके अंदर -6/15/2 अगला दिया बेटा -6/15/2 इसका कितना होगा करोगे -6 और 15/2 मतलब कितना होगा बेटा 7.5 हो जाएगा। यह 7.5 जब हो जा रहा है तो 7.5 6.5 से ज्यादा है इसके अभ्यंतर के अंदर कौन सा नहीं आएगा -6/15/2 इसके अंदर नहीं आएगा। ये हो जाएगा बेटा हम लोगों का राइट आंसर। इतना कर लोगे आप लोग चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा वाई एच पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। बेटा वाई एच पर एक बिंदु है मान लिया एक बिंदु ए है एक बिंदु कौन सा है बी है यह दिया है। उसके बाद क्या दिया है -6/5 दिया बेटा एक दिया है 6/5 और दूसरा दिया है बेटा कितना दिया है -4/3। अब क्या पूछा है कि इसे समदूरस्थ है किससे बेटा वाई एच पर है बिंदु तो वाई एच पर है तो उसका निर्देशांक हो जाएगा बेटा x/0/y हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे करोगे ये x होगा ये y होगा कर लोगे इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब करोगे बेटा यह होगा x1 यह हो जाएगा y1 यह हो जाएगा x2 यह हो जाएगा y2। तो जब y का निर्देशांक निकालोगे मध्य बिंदु है y=y1+y2/2 तो y=2 होगा बेटा y1 का वैल्यू 5 और प्लस y2 का वैल्यू 3/2 तो y का वैल्यू हो जाएगा 5+3 मतलब 8/2 काटोगे बेटा आएगा 4 इसका निर्देशांक जो होगा वो 0/4 होगा। इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों को आया समझ में वो भी अच्छे तरीके से। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा पांचवा हो गया छठवें क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिंदु 2/6 और -2/10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें भी बेटा मध्य बिंदु का ही बोला है कितना दिया है ए बिंदु मान लिया यह मान लिया बी। पहला दिया है क्या दिया 2/6 और -2/10 यह दिया बेटा 2/6 और -2/10 इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लिया मध्य बिंदु पी है और ये बेटा x/y होगा ये x1 ये y1 यह x2 ये y2 इतना कर लोगे बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतना करोगे यहां से होगा x का वैल्यू होगा x1+x2/2 और y का वैल्यू होगा y1+y2/2। तो चलो x1 कितना है 2 है x2 कितना है बेटा -2 है -2 और y का जब निकालोगे y1 कितना है बेटा 6 है और y2 कितना है 10/2। इतना कर लोगे आप लोग उसके बाद x का वैल्यू हो जाएगा कितना होगा बाबू कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस बटे 2 y का 10/6 16/2 x=0 y=16/2 मतलब 8 इसके निर्देशांक हो जाएंगे बेटा 0/8
यह होगा इसका राइट आंसर। इतना कर लोगे आप लोग, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ, 65 जब माइनस 117 के रूप में है तो उसे के रूप में लिख सकते हैं तो m का मान होगा। बेटा बोला है कि 65 और 117 का एचसीएफ बराबर 65 m माइनस 117 है। तो बेटा m का वैल्यू हमसे पूछा है, क्या पूछ रहा है हमसे, m का वैल्यू। तो बाबू 65 का करोगे क्या होगा, 5 × 13, और 117 का करोगे बेटा हो जाएगा 9 × 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एचसीएफ जब निकालोगे हो जाएगा बेटा एचसीएफ इसका 13, इसका एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। और दिया कितना बाबू, दिया है 65m माइनस 117 इसका एचसीएफ दिया है, तो यह बराबर हो जाएगा 13 के। तो 65m बराबर 13 प्लस 117, तो 65m बराबर 130 यहां से हो जाएगा। तो m बराबर कितना होगा बेटा, 130 बटे 65, काटोगे 65 दूनी 130, m का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए, क्यों आएगा नहीं, ठीक है। अगला दिया किसी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर बेटा ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां दिया है बाबू, कहा किसी धनात्मक पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, पी के लिए एक ऑप्शन दिया है, ए दिया है बेटा पी, बी दिया है बेटा पी प्लस 1, और सी दिया है 2p प्लस 1, और डी दिया है बेटा क्या दिया है 2p। तो बेटा धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, तो विषम पूर्णांक के लिए यह 2p प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कर लोगे बेटा, चलो P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर ए बी स्क्वायर दिया बेटा, P बराबर दिया है ए बी स्क्वायर, और Q बराबर दिया है क्या दिया है बेटा ए क्यूब बी, ठीक है ए क्यूब बी। और पूछ क्या रहा हमसे बेटा, A और B अभाज्य संख्याएं हैं तब P और Q का एलसीएम क्या होगा, क्या बेटा P Q का क्या पूछा हमसे, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, P का गुणनखंड करेंगे बेटा, P का हो जाएगा A गुणे B गुणे B, और Q का करेंगे बेटा तो क्या होगा A गुणे A गुणे A और गुणे B। तो एलसीएम जब निकालेंगे बेटा यह कॉमन है दोनों में, A लिख लेंगे, बच क्या रहा है A बच रहा है, फिर A बचा हुआ है, ठीक है B कॉमन है एक बार A लिख लेंगे, फिर यहाँ पे B है इसको लिख लेंगे। तो करेंगे बेटा एलसीएम बराबर हो जाएगा A A A मतलब A क्यूब और B स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर होगा आए समझ में, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अरे हौसले हो बुलंद तो हम आसमान को झुका देंगे, और पेपर में 90 क्या 100% ला के दिखा देंगे, तो हौसला बुलंद रखो और किसी के मतलब बहकावे में मत जाओ, तुम लोग अपना तैयारी करो अच्छे से और मेहनत करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोगों की निंदाएं सुनकर अपनी लक्ष्य को मत बदल देना तुम, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही लोगों की निंदा करने वाली आदत बदल जाती है, ठीक है। चलो अगला दिया बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10वां था क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a बराबर 2 पे स्क्वायर, और क्या दिया बेटा 3 का स्क्वायर 5 पे 4, 3 का स्क्वायर गुणे 5 पे 4, ठीक है बाबू। और b बराबर दिया है 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर इंटू 5, यही दिया है, तथा
तब ए और बी का एच सी एफ पूछा है। क्या पूछा है बेटा? ए बी का एच सी एफ पूछ रहा है हमसे। तो बाबू एच सी एफ क्या होता है? तो सबसे कम घात वाली संख्या को ले लेंगे, एच सी एफ हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, और गुणे तीन पे दो है तो यहाँ पे भी तीन पे दो है, तो तीन पे दो और पांच, ये हो जाएगा बेटा इसका एच सी एफ, तीन पे दो। हाँ दोनों में तीन पे दो ही है। एक मिनट बाबू, पहले वाले में तीन पे तीन है, ठीक है, करोगे दो दूनी चार और तीन त्रिका नौ गुणे पांच, तो यहां से करोगे बेटा नौ चौके छत्तीस और गुणे पांच, तो पांच छत्तीस और पांच दिया पंद्रह तीन अठारह, ये हो जाएगा बेटा इसका एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एच सी एफ कितना होगा? 180। ग्यारहवें पे आ जाओ, ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? बेटा अभाज्य संख्या का युग्म पूछ रहा है। पहला दिया है, कितना दिया है? पहला 14.35। अभाज्य संख्या का युग्म पूछा है बेटा, हमको बताना है। बी वाला दिया है बेटा दो, कहां गया? 18.25। 18.25। सी वाला दिया है बाबू, सी वाला दिया 31.93। क्या दिया है? 31.93। और डी जो है, डी दिया है, डी दिया है कितना बेटा? 32.62। 32.62। तो बेटा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, अभाज्य संख्या का युग्म वो होगा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, उसके सिवा कुछ ना हो। यहाँ पे देखोगे 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 7 से कट रहा है बेटा। यहाँ पे देखोगे 31 × 93, 3 बार जा रहा है, ये कट रहा है। 2 से 32, 2 से 62, दोनों कट रहा है। लेकिन 18 और 25 कभी कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, केवल एक है जिसका एचसीएफ एक होगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 18। यहाँ पे बेटा कामा रेशियो नहीं है, कामा है 18.25, ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बेटा परिधि का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। ऐसा कहीं पे आ जाए क्वेश्चन तो दोनों का स्क्वायर करके लिख देना, कितना हो जाएगा बेटा? 4:9, ये हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे बेटा, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, इसका व्यास होगा, अर्धवृत्ताकार चांद है बेटा, चांद कुछ इस प्रकार होगा जो अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, इसका परिमाप दिया बेटा, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया है कितना? 72 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा हमने इससे? इसका व्यास पूछा है। तो बेटा अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा इसका केंद्र होगा इधर इधर, आर आर प्लस 2r बराबर 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। r कॉमन ले लो, पाई प्लस यहाँ पे 2 बराबर 72, r कॉमन, पाई का मान 22/7 और प्लस 2 बराबर 72 कर लोगे। यहाँ पे बेटा इसका गुणा करो, r बराबर 7 तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे, 22 + 7 = 14 बराबर 72 कर लोगे बेटा, तो r यहाँ पे 22 और 14 हो जाएगा 36, 36/7 बराबर 72 इतना कर लोगे बेटा। यहां से 36 × 72 r बराबर 7 × 14 सेंटीमीटर। व्यास पूछा बेटा, व्यास इक्वल टू होता है 2r, तो व्यास हो जाएगा 2 × 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो जो व्यास होगा बाबू वो कितना होगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो फिर नोट करो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा? 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो हमारा था 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बेटा बोला है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं तो त्रिज्या पूछा, वृत्त का परिमाप यही बोला ना बेटा, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यही बोला है, दोनों बराबर हैं
वृत्त का परिमाप होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर, आर इक्वल टू आ जाएगा दो मात्रक। इसका आंसर हो जाएगा बेटा आर बराबर दो मात्रक। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के परिमाप वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल बताना बेटा कितना होगा। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त के परिगत एक वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है बेटा। बाबू एक यह एक वृत्त है, इसमें एक वर्ग है, ठीक है। अब बाबू इसका क्षेत्रफल बोला है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया भुजा स्क्वायर, भुजा ए है तो 64 का ए बराबर 8 ठाएं 64, ए बराबर 8 हो जाएगा। इसका बीकर हम निकालें बेटा, यह 8 हो गई भुजा, यह भी 8, यह भी 8, यह भी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना, यह भी 8 है, यह भी 8 है, तो इसका केंद्र वृत्त का केंद्र यह होगा, यही होगा कि नहीं होगा। इसकी बेटा ये त्रिज्या होगी, यह भी त्रिज्या होगा, यह टोटल वृत्त का व्यास होगा। जब यह निकालेंगे तो व्यास निकलेगा, इसका आधा कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसका देखो यहाँ का काम करेगा, 8 × 64 हो जाएगा बेटा 64 × 2 = 128। तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 करड़ी में 2 व्यास जो आएगा बेटा, व्यास आएगा 8 करड़ी में 2, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 4 करड़ी में 2। हो गया बेटा। अब क्या पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल, यही पूछा ना बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर कितना बेटा 4 करड़ी में 2, तो 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो 22/7 और 4 × 16 = 2, तो 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 16 × 2 = 32। इसका आप लोग गुणा कर लेना और जो आंसर आएगा वो कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट जरूर करना बेटा, भूलना मत, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना, 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है। एक साहुल है बेटा, वो किसका संयोजन है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, बताना। चित्र दिया है बेटा साहुल का, एक शंकु और एक बेलन का पहला ऑप्शन दिया है, एक अर्धगोला और एक शंकु का दूसरा ऑप्शन दिया है, शंकु का छिन्नक और एक बेलन का, गोला और बेलन, इतना ऑप्शन दिया है बेटा। साहुल किसी खवई से जाके पूछना साहुल क्या होता है, क्या करता है बेटा, ये हो जाएगा बेटा, यह क्या होता है, यह मान लिया एक साहुल होता है। यह किसका संयोजन होता है बेटा, अर्धगोला का और शंकु का। किसका संयोजन रहेगा ये, अर्धगोला और शंकु का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा ना। किसका संयोजन होगा, अर्धगोला और शंकु का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण 9x² दिया बेटा, 9x² प्लस 3/4x और क्या दिया है, −2 बराबर 0, ठीक है, को हल करने के लिए इसमें किस अचर को जोड़ा और घटाया जाएगा। तो बेटा हमें बताना है किस अचर को जोड़ा और घटाया जाएगा। तो बाबू इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस यह लिख सकते हैं बेटा इसको 3/4 × x −√2 = 0, इतना लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा बेटा, a का वैल्यू हो जाएगा 3x और 2abx जो होगा वो हो जाएगा 3/4 × x, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे a का वैल्यू उठा के रख देना, a का वैल्यू रखोगे 3x तो 2 × 3x और इंटू बेटा b × x बराबर 3/4 × x,
तो क्या करोगे, देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बेटा कितना, यहाँ पे x भी बच रहा है और क्या बच रहा है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे a का वैल्यू होगा, x नहीं लेंगे क्यों, 3 लेंगे, सॉरी यहाँ पे x बेटा रहे, a का वैल्यू 3 होगा इसके पहले वाला, तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, x से x कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 4 × 8, b का वैल्यू कितना होगा बेटा 1/8, जोड़ा या घटाया जो जाता है बेटा वो बी का वर्ग जोड़ा घटाया जाता है, तो बी स्क्वायर बराबर 1² / 8² मतलब 1/64, क्या किया जाएगा बेटा 1/64 को जोड़ा या घटाया जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लोगे बेटा, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसको मिटाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चलो 18 नंबर कह रहा है, ये दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो अनुपात में है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो बेटा संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया है, इसका आंसर तुरंत 2×2=4 और 3^9 लिख देना, एक ही सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं पे आ जाए, भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल पूछा, तो उसका वर्ग कर दो, बात खत्म, ठीक है, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, तो ए बी की लंबाई होगी, ए बी की लंबाई पूछा है बेटा, एक चित्र दिया है, ऐसे कुछ दिया है, ठीक है, एक आयत के टाइप का समझ लेना है, एक आयत है ए बी सी और डी, यहां से बेटा एक विकर्ण डाल दिया है, यह 8 दिया है और विकर्ण दिया है 10, यह 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए बी का मान पूछा है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ए बी का मान निकालना है अगर हमको, तो यहाँ से यह 8 है तो यह भी 8 हो जाएगा, यह कर्ण का काम करेगा क्योंकि यह 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर 10 × 100 8 × 64 बराबर 36, यह आएगा बेटा 6×36 आएगा, ए बी का वैल्यू कितना होगा बेटा मेरे लाल 6 हो जाएगा, 6 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, और 20वां दिया क्वेश्चन बेटा, हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, बेटा अगर त्रिभुज बनाओगे तो लगभग 13 सेंटीमीटर ऐसे होगा और 7 कुछ ऐसे जाएगा और 9 कुछ ऐसे जाएगा, मतलब दोनों जाके ऐसे मिलेंगे, त्रिभुज की जो बेटा कोण होगा यह न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोणी त्रिभुज होगा, ठीक है, ऑप्शन दिया न्यून कोणी, सम कोणी, अधिक कोणी या त्रिभुज संभव नहीं, संभव तो है बेटा क्योंकि 7 और 9 मिलके 16 हो रहे हैं जो कि सबसे बड़ी भुजा 13 है, ठीक है, हो जाएगा कौन सा होगा न्यून कोणी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद अगला दिया बेटा क्या दिया है, बिंदु -3.4 एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु -3.4 की एक्स अक्ष से दूरी कितना होगी बेटा यह हमको बताना है, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी 21वां दिया बेटा, बिंदु दिया है -3.4, अब बाबू इसका पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, क्या पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, तो देखो बाबू यह हमारा वाई अक्ष होता है यह एक्स अक्ष होता है, मान लिया -3.4 क्या बेटा -3.4 तो लगभग इधर कहीं होगा -3.4, तो बाबू एक्स अक्ष से जब दूरी देखोगे इधर ये तो पूरा एक्स अक्ष है, इससे दूरी देखते जाओगे बेटा कितना होगा, जितना वाई का मान होगा और एक्स अक्ष से दूरी होगी, या वाई अक्ष से दूरी पूछा होता तो जो बेटा एक्स का मान होता वही वाई अक्ष से दूरी हो जाती, तो 4 इज द क्या होगा बेटा राइट आंसर होगा, 4 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो इसको नोट करो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बेटा,
21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया बेटा, कह रहा है कि पता नहीं क्वेश्चन नंबर 21 था कितना था बेटा, ध्यान नहीं दिया हम, क्वेश्चन नंबर 22 था शायद, ये 23 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बेटा, tan थीटा बराबर 15/8 तो cosec थीटा का मान होगा, tan थीटा बराबर 15/8 तो cosec थीटा का मान होगा, सॉरी बेटा 8/15 दिया, 8/15 तो cosec थीटा का वैल्यू पूछा है, निकालोगे बेटा यह लंब होगा यह आधार होगा, ठीक है, cosec थीटा बराबर होता है बेटा कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है, तो कर्ण हमको नहीं पता है, लंब पता है, लंब कितना है 8 है, कर्ण निकालना है, कर्ण क्या होगा बेटा 15 15 225, 8 64, 225 64 289, लगभग 17 होगा बेटा, 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, फिर इसके बाद हम लेके आते हैं मैथ का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन और सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।